300 का कर दो। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का ब्लॉग बहुत छोटा है, एक छोटा सा इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ आज सुबह जब मैं माइक टेस्टिंग के लिए सिटी में घूम रहा था। वो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की एंड फ्यूल अप करने के फ्यूल तो भराना था क्योंकि घूमना था। सो फ्यूल मैंने भराया 300 रुपये का क्योंकि सिटी में घूमना था, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था। सो 300 रुपये का भराया एंड मैंने कार्ड सर्व कर दिया। कैश में ज़्यादा देता नहीं हूँ, कार्ड एंड डिजिटल पेमेंट ही यूज़ करता हूँ। सो कार्ड सर्व किया तो मेरा ध्यान नहीं था, उसने स्लिप दी 450 की, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था, मैंने स्लिप रख ली और निकल गया। जब राइड कंप्लीट करके पूरा आया एंड मेल चेक कर रहा था, सो उसमें जब मेरी बैंक का मेल आया उसमें मैंने देखा कि 450 रुपीज़ डेबिट हुए हैं। मैंने कहा 450 रुपीज़ कैसे डेबिट हुए, मैंने तो 300 रुपीज़ का पेट्रोल भरा था। फिर मैंने स्लिप निकाली, स्लिप निकाल के चेक किया तो उसमें भी 450 था। तो मेरा दिमाग घूम गया कि ऐसे कैसे हो गया। एंड सो वापस मैं पेट्रोल पम्प गया एंड यस, पेट्रोल पम्प जाने से पहले मैंने अपना GoPro निकाला, GoPro में पूरी रिकॉर्डिंग चेक की एंड रिकॉर्डिंग में सब क्लियर था। सो अब देखते हैं रिकॉर्डिंग में क्या था। रिकॉर्डिंग हो गई है शायद, वो पावर से एकदम क्लियर कट हो। माइक की सेटिंग थोड़ी चेंज करनी है, अगर हवा अंदर नहीं आ रही होगी आवाज एकदम क्लियर। कितना हो गया, 116, 300 का कर दो। ओहो क्या हो गया, कैसे गिर गया। स्लिप हो गई, वो अगला ब्रेक लगा दिया होगा। हाँ वो नई नई सीख रही है वो लड़की, अगला ब्रेक में क्या हिट किया, वो तो गिरती गिरती वो क्या ये मोटरसाइकिल भी गिर जाती है सामने सामने का दबा तो कार्ड पेमेंट हो जाएगा। अभी तो बढ़ी रहा है ना सर रोड डेली रोज 80 पैसे कर करके। डीजल कितना, 99.14। थैंक यू। सो गाइस आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देख ली, मैंने 300 रुपीज़ का बोला था एंड फिर उसके बाद में वो आदमी कंफ्यूज हो गया क्योंकि वहाँ पेट्रोल भराते तब वहाँ पे दो पैरेलल मीटर्स चलते। तो एक में जो मैंने पेट्रोल भरा था 300 रुपीज़ और एक जो पुराना कोई भरा के गया होगा 450 रुपीज़। तो वो जो लड़का था जिसने स्वैप किया कार्ड, तो उसने 450 वाला देखा ना कि 300 वाला देखा और 450 से पेमेंट कर दिया। सो पेट्रोल पम्प वाले के पास गया, उसको पूरा उसको वीडियो दिखाया, उसको स्लिप दिखाई। तो एंड लकीली जिसने पेट्रोल फ्यूल अप किया था वो लड़का भी वहीं पे था। सो उसने उसको चिल्लाया भी कि भैया ये तूने पेमेंट कैसे ले लिया 450 रुपीज़ जबकि 300 का भरा था। एंड उन्होंने कैशबैक दे दिया मुझको 150 रुपीज़। एंड ऑब्वियसली थोड़ा रिग्रेट फील कर रहे थे कि मुझको वापस जाना पड़े, लेकिन यस
GoPro की वजह से मेरे 150 रुपीज़ बच गए। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होती तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि मैंने 450 की जगह 300 रुपीज़ का ही पेट्रोल भराया है। सो GoPro थैंक यू। सो GoPro एक्शन कैमरा ना कि सिर्फ शो ऑफ और इसके लिए रहता है, कभी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़फुल हो जाता है। बाई चांस कभी इंसिडेंट होता है तो उसमें आपको बताने में हेल्प करता है। जैसे आज मेरे साथ हुआ कि 300 का पेट्रोल भरा है, 450 चार्ज हो गया, लेकिन लकीली मेरे पास GoPro में फुल रिकॉर्डिंग थी तो बच गए। अगर नहीं रहता तो मेरे 150 रुपये चले ही गए थे। सो इसलिए कभी कभी GoPro के एक्शन कैमराज बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। एंड अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया तो ज़रूर जाके चेक कीजिए, उस पर अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इस पर फोटोग्राफ्स शेयर नहीं कर सकता हूँ यूट्यूब पर। एंड 1000 सब्सक्राइबर्स होने में बहुत टाइम है, सो सब्सक्राइबर्स की लेवल थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए। थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग ब्लॉग स्टार्ट करना है मुझको, तो आज का ब्लॉग करते हैं एंड। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए वेयर हेलमेट एंड सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। और नेक्स्ट ब्लॉग हो फुली मेरी राइड का हो, कुछ आसपास की गर्मी भयंकर बढ़ चुकी है तो मैं लॉन्ग राइड्स नहीं करने वाला हूँ। सो तब तक के लिए वेयर हेलमेट एंड सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।